नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विद्या में एक और फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए, देश दुनिया से जुड़ी ताज़ा सुर्खियों को मैं आपको बता दूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई की तैयारी, एग्जाम की तैयारी, अपने लक्ष्य को सही दिशा की ओर चल रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैं बता दूँ कि ट्विटर को लेकर जो है हमारे केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि वो ट्विटर ने जो है IT नियमों का पालन करने में विफल रहा है। इसको देखते हुए जो है लगातार सरकार उस पर आड़े ली हुई है, हाथों ली हुई है और उसको लगातार नोटिस जारी किया जा रहा है। इसी के साथ दुनिया का सबसे शक्तिशाली चुंबक भी बनाया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। तो क्या है रिपोर्ट, उसके बारे में आगे बताएंगे। और दुनिया में अमेजन के जो कंपनी है उसके जो CEO हैं, उनकी वाइफ कौन है? उनकी वाइफ, पूर्व वाइफ, फॉर्मर वाइफ, उन्होंने जो है अभी तक के सबसे ज़्यादा दान किए हैं, उनके बारे में बताऊँगा। और चीन के रेगिस्तान में सदियों पुरानी जो है एक किला खोजी गई है, वो किस राजवंश की, उससे संबंधित एक रिपोर्ट आई है, उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए एक और रिपोर्ट बता दूँ कि अंतरिक्ष में जो है राज खोलने के लिए करीब करीब 26 यान वहाँ पहुँच चुके हैं, अन्य विभिन्न देशों के जैसे कि अमेरिका, भारत, UAE जैसे, चीन जैसे देशों के। तो ये थी कुछ सुर्खियाँ, ऐसी खबर। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, नए हो तो बेल आइकन प्रेस कर दिए ताकि और कांच नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे आगे तेज गति से आपके पास पहुंच चुके। तो चलिए 11:30 का समय हो चुका है, जानते हैं आज की क्लास में क्या है खास रोज की तरह, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कंटेंट होते हैं। तो चलिए सबसे पहले बता दूँ कि आज का इतिहास जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जो आप रोज की तरह आज भी आपको देखने को मिलेंगे, उसका क्वेश्चन ऑफ द डे एज ए करंट अफेयर्स स्पेशल टॉपिक जो है एवरीडे डिस्कशन की जाती है, जो कि आज भी होगी। उसके बाद थॉट्स ऑफ द डे जो कि हमारे क्लास का गुरु है, विज्ञान से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब जो कि आप लोगों ने काफ़ी पहले से देखा होगा और सुना होगा, और लगातार मैं 6-7 महीने से अधिक समय से आपको लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ। लगभग 1000 से अधिक क्वेश्चन का संग्रह हो चुका है, ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के क्लास की शुरुआत करते हैं, जानते हैं सबसे पहले आज का इतिहास से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो मैं बता दूँ कि आज ही के दिन वर्ष 1970 में शिकागो में पहली बार किडनी प्रत्यारोपण का ऑपरेशन हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1950 में मिस्र के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय पद के लिए आम चुनाव हुए। आज ही के दिन वर्ष 1631 में मुगल बादशाह शाहजहाँ की पत्नी मुमताज महल का निधन हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1985 में जॉन हेंड्रिक्स ने अमेरिका में डिस्कवरी चैनल शुरू किया। आज ही के दिन वर्ष 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नायिका झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई, जो कि मुंबई के थिंक टैंक से शुरू हुआ था ये। आज ही के दिन वर्ष 1856 में रिपब्लिकन पार्टी ने अपना पहला राष्ट्रीय सम्मेलन फिलाडेल्फिया में किया। तो ये था आज का इतिहास जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। चलिए इसी के साथ चलते हैं और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का थाट्स ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो समय का ज़्यादा बर्बादी ना करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं बता दूं कि इन दिनों संस्था के द्वारा बताया जा रहा है कि अमेरिका में एक और रिसर्च हुई है जिसमें बताया गया है कि काफ़ी जो भी महिलाएं कॉस्मेटिक्स का सामान यूज करती हैं वो काफ़ी उसमें खतरनाक जहरीले पदार्थ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। 231 उत्पादों पर जो है शोध किया गया है। चलिए इसी के अंतिम क्वेश्चन ऑफ द डे, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित देश के सबसे युवा पैटेंट धारक हृदयेश्वर सिंह भाटी का यहाँ हृदय गति रुकने से जो है निधन हो गया है। जयपुर के रहने वाले 19 वर्षीय भारतीय शतरंज के क्षेत्र में 7 नई खोज और 3 पैटेंट अपने नाम का इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया रिकॉर्ड्स के नाम दर्ज करवाया था। पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि देर रात करीब 1 बजे हृदयेश्वर को हृदयघात हुआ और उनका निधन हो गया। उल्लेखनीय है कि भाटी मांसपेशियों की लाइलाज बीमारी ड्यूएशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित थे, यानी उनका जो है बॉडी में मांसपेशियों में जो है बहुत सारी बीमारियां थी, करीब करीब जो खतरनाक बीमारियां थी जिससे लगातार वो जूझ रहे थे। आप देखोगे उनके चित्रों में, उसमें भी मैंने एक जो है करंट अफेयर्स का सवाल बनाया, उसमें आप देखोगे चित्रों में कितनी उनकी शरीर जो है फैली हुई, इतनी कम उम्र में इतना वेट उनका बढ़ा हुआ था जिससे चिंता का विषय बना हुआ था, जो आखिरकार जो है कम उम्र में वो भारतीय एंटरप्रेन्योर भी बने थे देखा जाए तो, पेटेंट धारक भी, और उनकी मृत्यु भी हो गई। तो ये था आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का थॉट्स ऑफ द डे, यानी मोटिवेशनल लाइन। क्या है आज का मोटिवेशनल लाइन? तो बता दूँ कि इस 21 जून को दो खास दिवस मनाया जाएगा, जो कि इंटरनेशनल योगा डे और वर्ल्ड म्यूजिक डे भी मनाया जाएगा।
तो चलिए आज का थॉट्स ऑफ द डे की ओर बढ़ते हैं। तो कभी ये मत कहना कि मैंने कोशिश की होती तो आज किसी और मुकाम पे होता। तुम्हारे पास अभी भी समय है मुकाम हासिल करने का। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, लोग जो है बार बार कोशिश करते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार वो हार मान लेते हैं। अरे कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट पर फोकस नहीं कर पाते हैं, उसके बाद वो दूसरे काम, दूसरे क्षेत्र से जुड़ जाते हैं, फिर वो पछताते हैं। अपने फैमिली में, अपने दोस्तों के साथ बोलते हैं कि अरे मैंने जो है कोशिश नहीं की, उस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं ज्वाइन किया, उतना मेहनत नहीं कर पाया, उतना लगन नहीं कर पाया, उतना समय नहीं दिया, उस तरह का स्ट्रेटजी नहीं अपना पाया, जिसके कारण से वो हासिल नहीं हो पाया। लेकिन वैसा सोचना नहीं चाहिए आपको। आपके पास अभी भी समय है, आप बार बार प्रयास करो, अपनी गलतियों को ढूंढो ताकि आपको सफलता का रास्ता खुल सके। आपने जो आप में जो भी कमजोरियां हैं उसको ख़त्म करने की कोशिश, उसको तलाशो तराशो ताकि आप एक सफल व्यक्ति बन सको। तो चलिए इसी के साथ आज का क्लास की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पहला सवाल की ओर। तो मैं बता दूँ, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए ताकि इसका नोट्स तैयार किया जा सके। और बता दूँ कि कल का क्लास जो भी स्टूडेंट नहीं किए हैं वो क्लास ज्वाइन कर सकते हो, फ्री कॉस्ट है। और आप डेली 8 बजे जो है यूजीसी नेट कॉमर्स के पेपर की क्लास होती है, जो भी कैंडिडेट जुड़ना चाहते हो जुड़ सकते हो बिना फ्री ऑफ कॉस्ट में। चलिए आज का पहला सवाल क्यों चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गहरे समुद्र मिशन की अनुमति प्रदान की, जिससे समुद्री मिशन संसाधनों की खोज और समुद्री प्रौद्योगिकी के विकास में मदद मिलेगी। तो काफ़ी बड़ा जो है ये प्रोजेक्ट भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। इसमें भारत सरकार समुद्र से जुड़ी हुई संसाधनों पर जो है लगातार प्रयासरत है। खनिजों के बारे में भी अध्ययन किया जाएगा। वहाँ के जो हमारे जो प्रसारण मंत्री है प्रकाश जावड़ेकर ने जो है बताया कि 6,000 मीटर के नीचे कई प्रकार के खनिज हैं, इनके बारे में अध्ययन नहीं हुआ है। इस मिशन के तहत खनिजों के बारे में अध्ययन और सर्वेक्षण का काम किया जाएगा। भारत में 19 वर्ष सबसे युवा पेटनधारी हृदयेश्वर भाटी का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। तो मैं बता दूं कि वो मात्र 19 साल के थे और शतरंज के क्षेत्र में 7 नई खोज और कई पेटेंट, यानी करीब 3 पेटेंट अपने नाम कर इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज करवाया था। उनको जो है एक खतरनाक बीमारी थी मांसपेशियों में, वो है लाइलाज थी बीमारी, ड्यूएशन मास्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिससे वो पीड़ित थे, जिसके कारण जो है उन्होंने जो है 2 दिन पहले, 1 दिन पहले यानी बुधवार को उनकी मृत्यु हो गई। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में शुद्ध प्रत्यक्ष संग्रह कर संग्रह दोगुना से अधिक हुआ है। तो मैं बता दूं कि पिछले वित्त वर्ष यानी 2019-20 की बात की जाए तो 92,700 करोड़ रुपये थी, लेकिन इस बार जो है 2021-22 की बात की जाए तो 1,85,871 करोड़ रुपये रही। काफ़ी सुधार हुआ है और लोग जो है प्रत्यक्ष कर और CIT और STT के माध्यम से अधिक कर जो है कलेक्शन हुआ है, करीब करीब 100% से अधिक बढ़ोतरी हुई है। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के आरक्षण की मांग और आंदोलन जो है फिर शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक और मराठा से संबंधित लोगों ने जो है अपना फिर से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और बुधवार को जो है प्रदर्शन शुरू हुआ। इस मुद्दे पर जो है राष्ट्रीय व्यापक आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। छत्रपति शिव साहू महाराज के स्मारक पर है कई विधायकों और विभिन्न दलों के नेताओं ने एकत्र होने के साथ आंदोलन शुरू हो गया है। कई मराठा संगठनों ने इसका समर्थन किया। आंदोलन से वंचित बहुजन अघाड़ी नेता प्रकाश अम्बेडकर, कोल्हापुर के संरक्षक मंत्री, कांग्रेस के नेता सतेज पाटिल, प्रदेश भाजपा प्रमुख चंद्रकांत पाटिल समेत कई नेताओं ने शामिल हुए हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल जो आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो भारतीय रेलवे सिग्नलिंग, दूरसंचार और अन्य बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए लगभग 55,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इसमें मैं बता दूं कि भारतीय रेलवे के जो चेयरमैन हैं वो सुनील शर्मा जी हैं। 16 अप्रैल 1953 में 1853 में इसका गठन किया गया और भारत सरकार जो है इसमें करीब करीब 2,221 स्टेशनों में काफ़ी काम कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की, और 6,002 स्टेशनों में फ्री वाईफाई दे रही है जैसी बुनियादी सुविधाओं को पर जो है भारत सरकार जो है इस पर निवेश करने जा रही है 55,000 करोड़ रुपए की। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 14वां सबसे धर्मार्थ देश के रूप में उभरा है।
तो मैं बता दूं कि चैरिटी एंड फाउंडेशन संस्था के ओर से जो है ये बताया गया है कि फर्स्ट नंबर पे इंडोनेशिया, सेकंड पे केनिया और थर्ड नंबर पे नाइजीरिया है। 20 सबसे उदार देशों में जो है भारत है। भारत की बात की जाए तो 61% लोग जो है अजनबियों को दान किया, 34% ने खुद ने दान किया और 36% लोगों ने जो है रुपये दान किए हैं। तो मोस्ट चैरिटेबल कंट्री जो है इंडिया आया है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, आखिरी चार सवाल बचे हैं। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी मैंकेजी स्टॉक ने 19,796 करोड़ रुपये दान किए हैं। तो करीब करीब बता दूँ कि डॉलर की बात की जाए तो 2.7 अरब डॉलर वो जो है जेफ बेजोस से उन्होंने जो है 2019 में जो है एक सबसे महंगा तलाक लिया था और काफ़ी उनको राशि मिली थी। करीब करीब बता दूं कि अमेजन में लगभग उनकी 4% राशि जो है उनकी भागीदारी है। उन्होंने जो है तुरंत तलाक के बाद एक टीचर से शादी भी कर ली और उन्होंने कहा है कि यह दुनिया भर के जो है अमीर परिवारों की तरफ से एक प्रतिबद्धता है कि वो अपने अधिकांश दौलत जो है वापस समाज में देंगे। उन्होंने जो है एक गिविंग प्लेज पर जो है हस्ताक्षर भी किया था। उन्होंने इसी पर जो है उन्होंने काम कर रही है और अधिकांश कमाई जो है दान में देने वाली है। पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण ने बिना पेंशन योजना के जो है 5 लाख रुपए का पेंशन कोष निकालने की अनुमति दी है। इससे पहले जो है कुछ राशि ही निकालनी जाती थी और बिना एन्यूटी लिए ही, लेकिन भारत सरकार ने जो है इस बार कोरोना को देखते हुए लोगों को बड़ी राहत दी है और बड़ा जो है बदलाव किया है एनपीएस के नियमों में। अब बीमा कंपनियां जो है पेश की जाने वाली नई पेंशन एन्युटी को खरीदना होता है जिसके आधार पर जो है उन्हें पेंशन मिलती है, जबकि शेष 60% राशि की निकासी छूट होती है। जो है चीन ने उत्तर पश्चिमी सनाक्सी प्रांत में मींस राजवंश जो कि 1368 से 1644 से संबंधित प्राचीन किला म्यू वंश रेगिस्तान में खोजा है। 600 मीटर लंबा और लगभग 300 मीटर चौड़ा है खोजा गया किले का पूरा परिसर। 3 प्रवेश द्वार मिले हैं इसमें, साथ ही और भी कई प्राचीन अवशेष का पता लगाया है खोजकर्ताओं ने। फ्यूजन एनर्जी की बात की जाए तो में क्रांति लाने के लिए 35 देशों के वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली चुंबक तैयार किया है। इसमें 35 देशों ने जो है मिलकर कहा है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक IITR जिसको बोला गया है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर परियोजना में लगभग 75% जो है तैयार हो चुकी है। इस परियोजना में लगभग 35 देश शामिल हैं। भारत विश्व में प्रमुख है। इसके अलावा चीन, जापान, कोरिया, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। वैज्ञानिकों के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि अभी इस विशाल चुंबक पर आखिरी दौर का कार्य जारी है। पूरी तरह से तैयार होने के बाद यह 18 फीट लंबी और 14 फीट चौड़ी होगी, जबकि इसका वजन लगभग 1000 टन होगा। यह ITR प्लाज्मा में शक्तिशाली करंट उत्पन्न करेगी जिससे कि संलग्न प्रतिक्रिया के आकार देने और नियंत्रण करने में मदद मिलेगा। तो ये था आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट सवालों का जो ग्रुप संग्रह। तो चलिए इसी साथ आज का विज्ञान से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब की ओर बढ़ते हैं। तो रेंग के चलने वाले जीवों के हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं, उसमें छिपी अभिक्रिया और वह अभिक्रिया होती है जिसमें उष्मा निकलती है। एल्युमिनियम धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने वाले वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। सीसा, चांदी, सोना, तांबा आदि धातु में जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। एक तत्व के अपरूप की भौतिक विशेषताएं भिन्न होती है क्योंकि उनके परमाणु की संरचना भिन्न होता है। तो ये था विज्ञान से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाबों का जो कि जाखिरा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आप सभी के लिए जो भी आने वाला समय में रेलवे, SSC, CGL, बैंकिंग, ग्रुप डी NTPC की तैयारी कर रहे हो उन्हीं के लिए जो है ये सवाल आपको मिल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आप सभी इसे का लाभ उठाओ, इसका नोट्स तैयार करो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको कोई तरह का दिक्कत ना हो पढ़ने में। ये सभी वन लाइनर क्वेश्चन हैं, तो इसको आप पढ़ लोगे तो आसानी से जो है आप विज्ञान से जो भी संबंधित सवाल होते हैं उसका हल कर सकते हो। चलिए इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ रोज की तरह आज भी आपको मैं देने वाला हूँ जो कि कुछ कॉस्मेटिक्स, लड़कियों की कॉस्मेटिक्स से जुड़ा हुआ है। तो 231 उत्पादों में शोध किया गया है, कहा गया है 200 उत्पादों में से 52% में फ्लोरीन की मात्रा बहुत अधिक मिली है। 63% फाउंडेशन क्रीम में, 52% लिपस्टिक में फ्लोरीन की मात्रा पाई गई है। तो देख सकते हो लिपस्टिक और होठों का उत्पाद में तरल लिपस्टिक, फाउंडेशन, कंसीलर, ब्लश,
यह अन्य उत्पाद मस्कारा, वाटरप्रूफ मस्कारा, अन्य उत्पाद में जो है ये प्रतिशत दिखे गए हैं। शोधकर्ताओं 231 सौंदर्य प्रसाधनों में PFAS के प्रमुख घटक फ्लोरीन की मात्रा मापा है, तो ये बहुत ही चिंताजनक है। दूसरी ओर बात की जाए तो 200 से ज़्यादा चंद्रमा, 7 अन्य ग्रह और अनगिनत क्षुद्रग्रह मौजूद हैं हमारे सौरमंडल में। कई यानों से हैं अनजान। इन यानों में दीर्घकालिक मिशन पर निकले वेजर 1 और 2 जैसे यान शामिल हैं। कुछ ऐसे भी यान हैं जिनके बारे में जानना दिलचस्प है, जैसे कि 2011 में लॉन्च हुआ जूनो जो बृहस्पति की कक्षा में पहुंचा, और जापान का हायाबुसा जो रगुदु क्षुद्रग्रह की सतह पर उतरा है। नासा ने शुक्र ग्रह के लिए 2 मिशनों की भी मंजूरी दी है। और प्रोसिस या जो है शुक्र की बात करते हैं, सालों में यह अच्छी अनदेखी देखी गई, हालांकि इस पर वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित हुआ है। नासा ने हाल ही में शुक्र और उसके वातावरण की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए मिशनों के जो है धन की मंजूरी भी दी थी। तो चलिए, इस तरह का कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी रोज की तरह आज भी आपको मैंने जो है दिया है। तो चलिए, इसी साथ आज अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट क्लास के साथ मैं फिर मिलूंगा, तो ठीक है, नमस्कार। सब आखिर जाते आते एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि और कौन से नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। और बता दूँ कि एवरीडे 8 PM आप सभी का स्वागत है हमारे UGC नेट कॉमर्स क्लासेस, जो कि बनवाल ट्यूटोरियल्स पर एवरीडे यूट्यूब में कराया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।